न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं सुधा हेल्थ केयर, ली बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, फर्नीचर वर्ल्ड, चेस ज्वेलरी, मिड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, सुधा उद्योग, पीएन घाटी, आस्था रेसिडेंसी एंड बैंकर्स, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, डीपीएस आसनसोल। बाराबनी के विधायक विधान उपाध्याय को आसनसोल नगर निगम का मेयर बनाए जाने पर बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पाल ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से पूछा सवाल, क्यों बनाया बाहरी को मेयर? तृणमूल पार्षद वसीमुल हक को क्यों बनाया गया डिप्टी मेयर, इसका जवाब क्या? अशोक रुद्र को नगर निगम में फिलहाल नहीं मिला कोई पद, फिर भी बनपुर टाउन में जुलूस निकालकर जिताने के लिए लोगों को कहा धन्यवाद। आसनसोल में शुरू हुआ सबला मेला, कानून मंत्री मलय घटक ने किया उद्घाटन। आसनसोल नगर निगम का मेयर बाराबनी के विधायक विधान उपाध्याय को बनाया गया है। शुक्रवार की शाम को इसकी घोषणा की गई थी। विधान को मेयर बनाने से जहां नगर निगम क्षेत्र के तृणमूल नेताओं में निराशा और उदासी का माहौल है, वहीं बीजेपी इस मामले पर खूब चुटकी ले रही है। बीजेपी नेता तृणमूल का मजाक उड़ा रहे हैं। मेयर की घोषणा होने के दिन ही आसनसोल के पूर्व मेयर और बीजेपी नेता जितेंद्र तिवारी ने आसनसोल के तृणमूल नेताओं पर कटाक्ष किया था। अब दूसरे दिन आसनसोल दक्षिण की बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पाल ने भी तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी पर हमला किया है। उन्होंने फेसबुक पर एक बयान और वीडियो पोस्ट कर सवाल किया है कि आखिर क्यों आसनसोल नगर निगम क्षेत्र से बाहर के एक व्यक्ति को आसनसोल का मेयर बनाया गया? क्या आसनसोल में इस पद के लिए कोई योग्य तृणमूल नेता नहीं है? हमारे आसनसोल कॉर्पोरेशन ने कल के जानते श्री विधान उपाध्याय जिन्हें पाँचगाछिया पंचायत बाराबनी असेंबलर भोटर तीन ना कि आसनसोल करपोरेशने मेयर होबाक हो गल सारा आसानसोले आसानसोल करपोरेशन अंडारे जे जे जगह पड़े से तृणमूल को नेतृत्व नहीं मेयर हवर जो जे आज के जिन आसनसोल करपोरेशन भोटार नए ताके आज के मेयर करा हल माननीय मुख्यमंत्री মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় के अनेक अनेक अभिनंदन প্রথমে তো আপনি এবং আপনার দল বারো তারিখে বহিরাগতদের এনে মানুষকে সাধারণ মানুষকে পিস্তল দেখিয়ে ফায়ার আর্মস দেখিয়ে লাঠি দিয়ে ভয় দেখিয়ে আপনারা প্রত্যেকটা বুথে রিগিং করলেন আর আজকে আসানসোলবাসীকে একজন বহিরাগত মেয়র উপহার দিলেন কিপ ইট আপ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এটাই তো হচ্ছে গণতন্ত্র মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার আগে আপনি গণতন্ত্র বাঁচাও বলতেন আমি জানি না আজকে দিনে আপনি কি বলবেন ভালো থাকবেন ভারত মাতা জয় হোক। लेकिन बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पाल के इस बयान पर तृणमूल कांग्रेस नेता वी शिवदासन यानी दासू ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि अग्निमित्रा खुद बाहरी हैं, वे विधान उपाध्याय और आसनसोल के बारे में कुछ नहीं जानती। मंत्री मलय घटक ने बड़ो लोग तो मंत्री हुए छे तो प्रत्येक लोग विभिन्न जगह के आछे तो लीड दिए छे तो आसनसोल लीडरशिप पे कमी आसनसोल नहीं विधान के आयोजन करे छे विधान आसनसोल माटी छे विधान बाड़ी को थे वो बाड़ को जाने विधान बाड़ी को थे कत नंबर वार्ड विधान सृष्टि नगर है बाड़ी तो सृष्टि नगर को थे पड़े आसनसोल नॉर्थ तो वो आसनसोल नॉर्थ है और बाड़ी और आज थी की आसनसोल तक से हमारे लगे 10 साल थी तो आसनसोल आ उससे बेची थी आसनसोल आसनसोल नॉर्थ असेंबलर मत आ पहले छिलो फ्लैटे छिलो एकुन निजे बाड़ी करे थाकछे तो बाहर चले कोथा थेके होयेछे तो आसनसोले छिले तो आसनसोले छिले के करेछे मेयर उनि एटा बोलेछेन जे उनि होच्छेन পাঁচগাছিয়া पंचायत जे एलाकार भोटार अरे उ किछु जानेन भोटार आपनि तो छिलो कलकाता भोटार आपनि तो छिलो कलकाता भोटार आज के आपनि आसनसोले भोटार होयेछे एइ तो ओ भी किछुदिन पहले नाम तुलेछे तो विधान तो बहुत दिन धरे तो आसनसोले आछे बाराबनीते तो इलेक्शन लड़छे जार बाबार काउंसिलेंसी छिलो उसका बाबा ओ एरिया थेके लड़े आसेछे जीते आसेछे जार एकटु अस्तित्व आछे ओ एरियाते जाके ओ दूरे रखेछे तीन बार एमएलए होयेछे तो आसनसोले थाके ओ आसनसोले मते नर्थे मते बाड़ी पहले बाड़ी देख कोते आछे नी जानते बोलो जानार परे बोलते होबे बिना जानी आनसन कथा बोलछी भालो लागे ना।
आसनसोल नगर निगम के टॉप 3 पदों में से डिप्टी मेयर का पद फिर से एक बार अल्पसंख्यक पार्षद को दिया गया है। हालांकि इस बार पूर्व एमआईसी अभिजीत घटक को प्रमोट कर डिप्टी मेयर बनाया गया है, लेकिन उनके साथ ही वार्ड नंबर 26 से नव निर्वाचित पार्षद वसीमुल हक को भी डिप्टी मेयर बनाया गया है। यानी इस बार दो लोगों को डिप्टी मेयर बनाया गया है, लेकिन बड़ा सवाल है कि वसीमुल हक को क्यों डिप्टी मेयर बनाया गया। आमतौर पर माना जा रहा है कि उनकी सीनियरिटी को देखते हुए ही उन्हें यह पद दिया गया है। साथ ही रेल पार अंचल के अल्पसंख्यकों को खुश करने के लिए भी तृणमूल कांग्रेस की यह चाल हो सकती है। बहरहाल वसीमुल हक भी ऐसा मानते हैं कि तृणमूल नेतृत्व ने रेल पार अंचल को एक बड़ा तोहफा दिया है। हम लोग बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं ममता बनर्जी का, अभिषेक बनर्जी मुलाई घटक का, जिन्होंने आसनसोल के रेल पार के संचल में पहली बार इतना बड़ा कोई कॉरपोरेशन का जिम्मेदारी का पद दिया है। ये विश्वास ममता बनर्जी के साथ जिस तरह के यहाँ के लोगों ने जताया है, ठीक उसी तरह ममता बनर्जी ने उसका जवाब यहाँ के आवाम को फौरी तौर पर तोहफा के तौर में डिप्टी मेयर का पोस्ट दिया। हम लोग ये कोशिश करेंगे कि जो जिम्मेदारी हम लोगों को ममता बनर्जी ने दिया है, हमारे कंधे पर, कमजोर कंधे पर जो एक जिम्मेदारी दी है, बड़ी जिम्मेदारी है ये आसनसोल के उपमेयर का, मैं इसको बखूबी निभाने का कोशिश करूंगा कि ममता बनर्जी सरकार मामाटी मानुष सरकार का आसनसोल के उत्तर के जो विधायक मुलाय घटक मंत्री हैं उनके जरिए जो आसनसोल के विकास का जो काम है, जो सरकारी स्कीम है, इसको आम आवाम तक के घरों तक सहूलत के साथ पहुंचाया जा सके, आसनसोल का और विकास हो सके। खास तौर से रेल पार के अंचल से हम बिलोंग करते हैं, इसलिए रेल पार का जो इलाका है ये इलाका और भी तरक्की करे। किसी जमाने में लाल झंडे का जब जमाना था, उस जमाना में इस इलाके के लोगों के हाथ में कलम के जगह हथियार हुआ करता था। माँ माटी मानुष सरकार आने के बाद यहाँ के बच्चों के पीठ पे कचड़ा का बस्तर नहीं बल्कि किताबों का बस्ता होता है, और आने वाले दिनों में हाथों में हथियार नहीं कलम हो, ये कोशिश होगा। आसनसोल के हृदय स्थल आपकर गार्डन सेंड्रेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार आस्था रेसिडेंसी एंड बैंकर्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट, शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंकेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंकेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंकेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। कॉन्टेक्ट 8436000010। आसनसोल में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सा के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहाँ आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच, साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, SB गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड BNR मोड आसनसोल सेंटर। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेन सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ, तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, GT रोड अपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल। यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है, बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत अट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के क्वालिटी दार और टिकाऊ। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना, वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में, साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? फर्नीचर वर्ल्ड,
फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, जीटी रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड आसनसोल। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग ऑपोजिट गुड़ाई वेंचर नियर पोस्ट ऑफिस, SP गुड़ाई रोड, आसनसोल। आसनसोल नगर निगम चुनाव के बाद शुक्रवार की शाम को नए मेयर के रूप में विधान उपाध्याय के नाम की घोषणा की गई थी। इसके साथ ही दो डिप्टी मेयर के रूप में अभिजीत घटक और वसीमुल हक के नामों की घोषणा की गई थी। वहीं अमरनाथ चटर्जी को फिर से चेयरमैन बनाया गया है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के जो नेता उक्त तीन पदों के दावेदार में शामिल थे या फिर उसकी कामना कर रहे थे, उनमें बनपुर टाउन से आने वाले वार्ड 78 के नवनिर्वाचित पार्षद अशोक रुद्र भी शामिल हैं। उनको फिलहाल कोई पद नहीं दिया गया है। हालांकि अभी 7 MIC और 10 बोरो चेयरमैन के पदों पर नियुक्ति की जानी है। बहरहाल कोई पद नहीं मिलने से अशोक रुद्र के चेहरे पर साफ निराशा झलक रही है, लेकिन वे इसे प्रकट नहीं करना चाहते हैं, बल्कि उल्टे उन्होंने शनिवार को वह काम किया जैसा अभी तक किसी निर्वाचित पार्षद ने नहीं किया है। शनिवार को उन्होंने बानपुर के स्टेशन रोड इलाके में अपने समर्थकों के साथ एक जुलूस निकाला। दरअसल अशोक रुद्र ने यह जुलूस लोगों का धन्यवाद प्रकट करने के उद्देश्य से निकाला था। जिस तरह चुनाव प्रचार के लिए उन्होंने जुलूस निकालकर दुकानदारों और वार्ड के लोगों से मुलाकात की थी और वोट मांगा था, अब ठीक इसका उल्टा उन्होंने लोगों से मिलकर धन्यवाद प्रकट किया, वरिष्ठ लोगों को नमस्कार कर उनका आशीर्वाद लिया। बहरहाल वार्ड नंबर 78 के पार्षद अशोक रुद्र के समर्थकों को आशा है कि भले आज उन्हें नगर निगम के तीन चोटी के महत्वपूर्ण पदों पर अशोक रुद्र को नहीं बैठाया गया, लेकिन एक दिन यह सपना जरूर पूरा होगा। अशोक रुद्र ने अपने वोटरों के प्रति धन्यवाद प्रकट करने के बाद क्या कहा, आइए देखते हैं। देखिए, खास वजह यही है जो इतना दिन जहाँ हम लोग डोर टू डोर घूमे, जिसका जिसका द्वारे में वोट मांगने के लिए हम लोग गए थे, तब वो लोग हमको फूल से सम्मानित किया था। तो आज जब इतना बड़ा वोट से हम जीते हैं, तो इसलिए हम क्या किए आज आप देखें, मेरा जो वोटर है, हम लोग का क्या है, ऊपर में ममता, नीचे में जनता। तो हमारा वार्ड का जो जनता है, जो मेरा वोटर है, सबको हम धन्यवाद जताते हुए सबको फूलों का हार पहनाए, फूल का गुलदस्ता दे के धन्यवाद और कृतज्ञता हम जाहिर किए। प्रत्येक साल की तरह इस बार फिर पश्चिम बर्धमान जिला प्रशासन द्वारा सबल मेला का आयोजन किया जा रहा है। शनिवार को आसनसोल जिला अस्पताल के निकट स्थित विद्यासागर मैदान में सबल मेले का उद्घाटन किया गया। राज्य के कानून मंत्री मलय घटक ने दीप प्रज्वलित कर मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर जिलाधिकारी एस अरुण प्रसाद, रानीगंज के विधायक और ADDA चेयरमैन तापस बनर्जी, जामुड़िया के विधायक हरे राम सिंह, जिला सभापति सुभद्रा बावरी, डिप्टी मेयर अभिजीत घटक और वसीमुल हक और अन्य अतिथि भी मंच पर मौजूद थे। इस मेले में कई सारे स्टॉल लगाए गए, जिनमें स्वनिर्भर गोष्ठियों द्वारा हाथ से तैयार चीजों को बिक्री के लिए रखा गया है। जिले भर में गोष्ठी की महिलाएं अपने अपने सामानों को लेकर आई हैं। मेले के उद्घाटन के मौके पर कानून मंत्री मलय घटक ने कहा कि ममता बनर्जी ने महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए कई सारी योजनाओं को लागू किया है, जिनमें सबल मेला भी एक है। कृषि दफ्तर कृषि मेला करे, श्रम दफ्तर श्रमिक मेला करे, बई मेला है, सबला मेला है, এই ধরনের আরও অনেক মেলা তিনি করে দিয়েছেন। মেলার মাধ্যমে যেমন আপনাদের বিপণন হয়, ঠিক সেইভাবেই বিগত দু বছর আমরা করোনা কাল পেরিয়ে এসেছি, এখনও পুরোপুরি পেরিয়ে আসতে পারিনি, কিন্তু তার মধ্যেও মেলাতে পুরনো মানুষজনের সঙ্গে দেখা হয়, কেনাকাটা হয় এবং মনেরও বিকাশ হয়। তাই আমি আপনাদের বলবো যে এই মেলাকে সফল যাতে হয়, আপনারা রোজ বেলায় আসুন, দোকানে দোকানে ঘুরুন, পছন্দ মতো জিনিস কিনুন, তাহলে যারা তৈরি করছে, যারা বিক্রি করছে, তারা কিন্তু আপনাদেরই মতো কোনো পরিবারের মেয়ে, কোনো পরিবারের মহিলা।
তারাও সেই সমস্ত জিনিস তৈরি করে আজকে এখানে সরকারি এই মেলাতে বিক্রি করার জন্য এসেছেন। আমাদের আসানসোলের একটা সুনাম আছে যে এই যখনই আমরা কোনো মেলা করি তখন সেই মেলায় কিন্তু মানুষজনও অনেক হয় এবং বিক্রিও অনেক হয়, যেটা রাজ্যে প্রায় আমরা প্রতিটি মেলাতে রেকর্ড করে থাকি। বই মেলাতেও বই বিক্রিতে রেকর্ড হয়। এই যে এমএসএমির একটা মেলা হয়, গত বছর প্রায় 6 কোটি টাকার বিক্রি হয়েছিল, যেটা রাজ্যের কলকাতা বাদ দিয়ে যে কোনো শহরে সবথেকে বেশি। তাই এই সবলা মেলা যাতে আগামী বছর আরও সফল হয়, আরও যারা বিপণনী তৈরি করেন তারা যাতে আরও আকৃষ্ট। मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर, सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम समीरन राय रोड गोधुली गुरुद्वारा के पास आसनसोल। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारे जस ज्वेलरी। हीरे, सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज पे बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जस ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जस ज्वेलरी, आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार, आसनसोल। जस ज्वेलरी, यानी आपके सुंदर पलों का साथी। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त दिल्ली पब्लिक स्कूल में प्री नर्सरी से 12वीं तक नामांकन जारी। हमारे यहाँ साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी और योग्य शिक्षक देते हैं छात्रों को सर्वोत्तम शिक्षा। डीपीएस आसनसोल प्रदान करता है हजारों पुस्तकों से संपन्न लाइब्रेरी, आधुनिक उपकरणों वाला लैब, स्मार्ट कक्षाएं, स्कूल में विशाल हवादार परिसर, खेल कूद का उत्तम प्रबंध, ट्रांसपोर्ट तथा अन्य सुविधाएं, मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा। डीपीएस आसनसोल, एथोरा NH2 आसनसोल बाईपास। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी, विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी, पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युक्तियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। नंदम एजुकेशन सेंटर लेकर आया है सुनहरा मौका। मान्यता प्राप्त बोर्ड से एक चांस में पास करें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा। आनंदम एजुकेशन सेंटर पेश करता है उपयोगी कोर्स स्पोकन इंग्लिश एंड GDPI, एडवांस स्पोकन इंग्लिश, किड्स कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, एंकरिंग, न्यूज रीडिंग। कॉन्टेक्ट आनंदम एजुकेशन सेंटर, भूला भवन, वेस्ट अपकार गार्डन, नियर कलकत्ता स्वीट्स, आसनसोल 4। अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से युक्त मिड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट। आप यहां पाएंगे वर्ल्ड क्लास और अति उन्नत चिकित्सा उपकरण और सेवाएं, 24/7 इमरजेंसी, लेटेस्ट मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर और आधुनिकतम उपकरण युक्त ICU, HDU, NICU, डायलिसिस यूनिट, वार्ड, केबिन्स, आपके बेहतर उपचार के लिए 24/7 फार्मेसी के साथ। इसके अलावा सिटी स्कैन, USG, एक्सरे, इको, रक्त जांच और अन्य सभी तरह की नवीनतम पैथोलॉजी एंड इमेजिंग सुविधाएं भी उपलब्ध है। ये सारी स्वास्थ्य सेवाएं उचित दरों पर आपके शहर आसनसोल में केवल मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, भगत सिंह मोड़, आसनसोल में उपलब्ध है। आसनसोल बाईपास स्थित तपसी बाबा मंदिर में 5 दिवस से रुद्र महाभिषेक किया जा रहा है। यह आयोजन मंदिर में नया शिवलिंग की स्थापना के अवसर पर किया जा रहा है। मंदिर का जो पहले शिवलिंग था वह खंडित हो गया था, उसकी जगह बनारस से लाकर शिवलिंग को स्थापित किया गया है। इसके लिए पूजा पाठ चल रहा है। इस विशेष पूजा पाठ में बड़ी संख्या में महिलाएं और पुरुषों ने हिस्सा लिया। तपसी बाबा मंदिर के पुजारी धनंजय मिश्रा ने बताया कि यह धार्मिक आयोजन 5 दिनों का है। हम लोग का मंदिर का जो तपसी बाबा मंदिर का जो शिवलिंग था पुराना, वो पुराना खंडित हो गया था, तो वही नया लिंग बनारस से खरीद के आया है और वही लिंग का स्थापना के लिए पंच दिवसीय महारुद्र यज्ञ हो रहा है।
पाँच दिन तक चलेगा। आज पुण्यावती है, आज क्या क्या किया जाएगा? आज जलाभिषेक होगा, उसके बाद हल्दी लेपन होगा, उसके बाद पुण्यावती होगा, नारियल डाला जाएगा, उसके बाद भंडारा होगा। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं सुधा हेल्थ केयर, श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, फर्नीचर वर्ल्ड, चेस ज्वेलरी, मिड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, सुधा उद्योग, पीएन घाटी, आस्था रेसिडेंसी एंड बैंकर्स, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, डीपीएस आसनसोल,